हेलीकॉप्टर आप सभी ने देखा है। दिलो दिमाग में गड़गड़ाहट पैदा करने वाली इसकी खौफनाक आवाज भी आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन आज जिस हेलीकॉप्टर की आवाज पूरे देश में गूंज रही है वो है AW101, यानी ऑगस्टा वेस्टलैंड। कई बेहतरीन खूबियों से लैस इस हेलीकॉप्टर की कीमत है करीब 300 करोड़ रुपए। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की खरीद सौदे में इसकी कीमत से भी ज्यादा 362 करोड़ रुपए की घूस दी गई। और ये जानकर तो हर कोई सन्न रह जाता है कि इस हेलीकॉप्टर की खरीद में हुई घूसखोरी में जो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो नाम है देश के पूर्व वायुसेना प्रमुख शशिंद्र पाल त्यागी का। इतना धक्का लगा और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, पढ़ के कि आप पे ब्राइब का चार्ज लगाया गया, तो ये तो प्रतिक्रिया तो यही हो सकती है शॉक। जिसने ब्राइब जिसको मिला हो उसे भी शॉक लगेगा, लेकिन जिसको जिसका कोई लेना देना ही नहीं हो उसे तो और ज्यादा शॉक लगेगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं तो अभी तो शॉक स्टेट में ही हूँ। इटली की कंपनी फिन मैकेनिका के बनाए ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में दी गई रिश्वत की बात हम करेंगे आगे। पहले जानिए इन खूबसूरत हेलीकॉप्टर में क्या है खूबियां। यह हेलीकॉप्टर 15,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। 3 इंजनों से लैस इस हेलीकॉप्टर में 360 डिग्री पर घूमने वाले रेडार भी लगे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं ये हेलीकॉप्टर, जिन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे VVIP के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार ने खरीदा है। लेकिन अब इसकी खरीद में हुई दलाली ने देश को हिला दिया है। लेकिन रिश्वत की बात से पहले सुनिए कब और कैसे शुरू हुई थी इन हेलीकॉप्टर की खरीद की कहानी। 2000 में अगर आपको याद हो तब रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो वो सियाचिन वगैरह जाया करते थे। तो ये सोचा गया था शायद कि VIPs सियाचिन भी जाएंगे, तो 18,000 फुट तक वो जहाज ऑपरेट करना चाहिए। जब 2000 में ये टेंडर वेंडर की एक्शन लिए गए थे तो मालूम पड़ा कि पूरे दुनिया में, क्योंकि कोई बनाता नहीं है 18,000 फुट पे ऑपरेट करने के लिए जहाज, बहुत कम लोग बनाते हैं। तो जो जहाज था, एक जहाज था पूरे दुनिया में, वो यूरोपियन फ्रेंच जहाज था जो 18,000 फुट पे ऑपरेट कर सकता। साल 2000 में पहली बार VVIP के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने की बात उठी और साल 2010 में सरकार ने 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद दिए, यानी पूरे 10 साल में पूरा हुआ ये सौदा। लेकिन पिछले 2 साल से इस डील में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर रही इटली पुलिस के इस खुलासे से हंगामा मच गया कि इस डील में कुछ भारतीयों को घूस दी गई। और इसके बाद सबसे पहले सवालों के घेरे में आए पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी। खुद SP त्यागी की जुबानी सुनिए क्या है इल्जाम। अभी टेंडर तो मेरे टाइम पर इशू है, लेकिन चार्ज ये है कि ये जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये शायद कम्पीट नहीं कर पाती स्टैंडर्ड में अगर कोई रिक्वायरमेंट में रद्दोबदल नहीं की जाती। तो मुझे किसी बात के लिए तो कोई ब्राइब देगा ना, तो इनका मुझे जो चार्ज है वो ये है कि साहब प्राय इनको पैसा दिया गया कि इन्होंने रिक्वायरमेंट बदली कर दी। पूर्व वायुसेना प्रमुख और घूसखोरी के कनेक्शन की कहानी आगे। पहले देखिए क्या है ये पूरा हेलीकॉप्टर सौदा और कैसे शुरू हुआ ये घूस कांड। दरअसल भारत ने इटली की कंपनी फिन मैकेनिका से फरवरी 2010 में 3,546 करोड़ रुपए में 12 ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। पहली खेप में सरकार को 3 हेलीकॉप्टर मिल भी चुके हैं, लेकिन इस सौदे में दलाली के आरोप के बाद फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इटली में उठा घूस कांड का ये तूफान UPA से होता हुआ अब NDA की सरकार तक जा पहुंचा है। घोटाले होंगे जांच होगी, घोटाले होंगे जांच होगी, और एक एंटोनी साहब ने सबसे सरल रास्ता पकड़ लिया, कुछ हो गया तो CBI। हमारे रक्षा मंत्री जी ने
इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया। अब इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती थी? अगर एनडीए सरकार रहती और ऐसा कोई शिकायत आती वो क्या करती? बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को फांसी चढ़ा देती? मेल टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 3,546 करोड़ रुपए के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में 362 करोड़ रुपए की घूस दी गई। इस घूस में से 217 करोड़ रुपए की रकम क्रिश्चियन मिशेल नाम के बिचौलिए को मिली, जिसने इसे लोगों में बांटा। इटली पुलिस की रिपोर्ट में दूसरा नाम आईडीएस इंडिया और आईडीएस ट्यूनिशिया नाम की कंपनियों का है, जिन्हें 144 करोड़ 72 लाख रुपए की घूस दी गई। इसके अलावा भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदारों को 72,39,000 रुपए नकद दिए गए। कुछ मेरे रिश्तेदारों के नाम आए और उन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा नाम भी आया। एक आरोप यह है कि एक तो यह है कि इसको ये जो टेंडर है ये तब इशू हुआ था जब मैं चीफ था, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही। ओके, ये भी बात सही है कि जो नाम आए वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक घूसखोरी की इस बंदर बांट में कई और लोग भी शामिल हैं, लेकिन इस घूसखोरी के जाल की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है क्रिश्चियन मिशेल। मेल टुडे के मुताबिक क्रिश्चियन मिशेल लंदन और दुबई की कई कंपनियों के मालिक हैं। क्रिश्चियन मिशेल ऑगस्टा वेस्टलैंड के कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। इटली पुलिस की जांच के मुताबिक जो 217 करोड़ रुपए की घूस क्रिश्चियन मिशेल को मिली, उसका कुछ हिस्सा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के चचेरे भाइयों संजीव उर्फ जूली त्यागी, डोस्का त्यागी और संदीप त्यागी तक पहुंचाई गई। हालांकि संजीव त्यागी इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। एयर मार्शल एसपी त्यागी हैं, उनका कहना है कि जिस जो कार्लो नाम का शख्स है उससे उनकी मुलाकात हुई थी अपने रिश्तेदार के यहाँ। तो उनकी जो मुलाकात क्या आपके यहाँ हुई थी? जी, वो विवाह में हुई थी। मैं कार्लो को जानता हूँ, हमारा उनसे पावर सेक्टर की डीलिंग रही है, वो भी अब कुछ वर्ष से नहीं है, पहले रही है, लेकिन हमारा इस सौदे से, रक्षा विभाग से, इस डील से कोई भी लेना देना नहीं है। संदीप त्यागी, संजीव त्यागी और डोस्का त्यागी, ये वो तीन रिश्तेदार हैं जिनके जरिए घूसखोरी की ये आंच पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी तक भी पहुंच रही है। इससे पहले कि हम आपको इस घूस कांड की और गहराई में ले जाएं, पहले इस रिश्तेदारी पर सुनिए खुद एसपी त्यागी की सफाई। 1999 ड्यू टू सम फैमिली रीजंस आवर रिलेशंस ब्रोक विद दीस थ्री कजन्स, विद दीस कजन्स, दिस फैमिली, दे आर द कजन्स फैमिली विद द एंटायर फैमिली। The relations broke and from 99 for 7 years virtually there was no contact. There was no contact. Zero. Sometimes towards the end of 2006 their father became ill and I went to check how they were doing. And the first tentative contacts started sometimes in the last 4-5 months of my job as a लेकिन इटली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक फिन मैकेनिका के सीईओ गिस्पो ओर्सी और ऑगस्टा वेस्टलैंड के सीईओ ब्रूनो स्पाग्रोलिनी लगातार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के संपर्क में रहे और ये पता लगाते रहे कि उनकी दी गई घूस की रकम भारत में पहुंचाई जा रही है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक त्यागी बंधुओं को 72,39,000 रुपए तो सीधे नकद दिए गए, जबकि 86,83,00,000 रुपए इन्हें आईडीएस इंडिया और आईडीएस ट्यूनिशिया नाम की कंपनियों के जरिए मिले। मेरे रिश्तेदार, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये जब रिपोर्ट पहले आई थी मैंने उनसे बात की थी कि भाई ये नाम किस तुम्हारा किस सिलसिले में। पहली बात तो ये थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि 2010 में साइन हुआ था मैं तो भूल चुका था इसको, लेकिन मैंने कहा तुम्हारा क्या लेना देना भाई, मैं यही कह सकता हूँ जो उन्होंने मुझे कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना, तो भाई क्यों आ रहा नाम, क्यों आ रहा है? उनका नहीं, हमारी इनसे दूसरी बिजनेस डीलिंग से, हमने कभी रक्षा मंत्रालय की तरफ तो देखा नहीं। मोटे तौर पर अगर देखें तो ये पूरा घूस कांड यूं नजर आता है कि इटली की कंपनी फिन मैकेनिका ने अपने हेलीकॉप्टर बेचने के लिए जो 362 करोड़ की घूस बिचौलियों को दी, उसका एक बड़ा हिस्सा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदारों को मिला और उनके जरिए एसपी त्यागी तक पहुंचा।
ताकि एसपी त्यागी टेंडर में ऐसे रद्दो बदल करें जिससे भारत को हेलीकॉप्टर बेचने का टेंडर फिन मैकेनिका को मिल जाए। मोटे तौर पर आरोपों की शक्ल में यही कहानी सामने आती है, लेकिन घूसकांड की इस कहानी में और भी है पेंच, वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। घर में गूंज रहा है हेलीकॉप्टर घूसकांड। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इटली पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि फिन मैकेनिका कंपनी के सीईओ जी ओरसी को विडो राल्फ हैशके और कार्लो जिरोसी नाम के बिचौलियों के जरिए हेलीकॉप्टर के इस सौदे का पता चला था और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार त्यागी बंधुओं ने हैशके को यह ठेका मिलने का भरोसा दिलाया। रिपोर्ट के मुताबिक बिचौलियों ने त्यागी बंधुओं के जरिए ठेके की शर्तें बदलवाई, लेकिन इन आरोपों पर खुद एसपी त्यागी कुछ यूं सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरी जहां तक जानकारी है उस पे आरोप यह था कि मेरा इस्तेमाल किया गया है रिक्वायरमेंट्स हेलीकॉप्टर के बदलने के लिए, रिक्वायरमेंट बदल दिए जाएं जिससे अगुस्ता वेस्टलैंड जिसको यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो टेंडर प्रोसेस में शामिल हो जाए या कंपटीशन में शामिल हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे याद है और मैंने अपने साथियों से भी पूछा है, 2004 से 2007 तक मार्च तक मैं चीफ रहा हूं, उस दौरान में वायुसेना ने कोई बदलाव नहीं। लेकिन इटली पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि हेलीकॉप्टर सौदे के दौरान बिचौलिए पूर्व वायुसेना प्रमुख से कई बार मिले, लेकिन इन मुलाकातों पर एसपी त्यागी का कुछ और ही कहना है। I met them at my cousin's place, but I for Carlo I met him about 20 years ago, okay, the first time, and then when the relationship with my cousins broke, well, since they were not my friends. I never met them. So you met them in the 1990s? 1990s and subsequently in the after 2007, after my return. After your return? Because some wedding but in the family. But at that stage, they would not have any incentive to pay no, you. No, never. एसपी त्यागी का ये भी कहना है कि हेलीकॉप्टर खरीद के लिए शर्तों में जो बदलाव किए गए वो उनके वायुसेना प्रमुख बनने से पहले यानी 2003 में ही हो गए थे। उसके बाद सौदों की शर्तों को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि टेंडर 2006 में उनके दस्तखत से ही पास हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीद की ये डील साल 2010 में जाकर पूरी हुई। लेकिन क्या थे हेलीकॉप्टर खरीद सौदे की शर्तों में वो बदलाव, आप खुद सुनिए एसपी त्यागी की ही जुबानी। एसपी जी ने कहा कि इस आदमी ये इसकी हाइट कैबिन हाइट है साहब, हेलीकॉप्टर की बहुत कम है, इसमें तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हमारा जवान खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी सोचा गया अगर एक ही है कॉम्पिटिटर होना चाहिए, नहीं तो दाम गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसको 15,000 फुट कर दिया जाए, छोड़ो नहीं जाएंगे सियाचिन, सिर्फ जोजिला पास क्रॉस कर दिया जाए, 15,000 फुट कर दिया जाए, और दूसरा है केबन हाइट इसकी बढ़ा दी जाए जिससे पहले नहीं सोचा था केबन हाइट के बारे में, जिससे एसपी जी खड़ा हो जाए। तीसरी चीज ये भी बताई गई कि उन्होंने कहा जी एसपी जी इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि काम तो उन्हें करना है। तो उसके बाद ये जब चेंजेस थे ये 2003 में किए गए मेरे आने से पहले। सरकार ने इस हेलीकॉप्टर घूसकांड की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है, लेकिन फिलहाल तो पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी घूसकांड के आरोपों का केंद्र बन गए हैं। एसपी त्यागी 31 दिसंबर 2004 को 20वें वायुसेना प्रमुख बने थे और वो इस पद पर 31 मार्च 2007 तक बने रहे। उन्हीं के दस्तखत से अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद के टेंडर जारी किए गए थे।
एसपी त्यागी ने एयरफोर्स में अपने करियर की शुरुआत 1963 में बतौर लड़ाकू विमान पायलट के तौर पर की थी। 1965 और 1971 की जंग में उन्होंने MiG-21 फाइटर जहाज के जरिए अपनी वीरता का परिचय भी दिया और यही वजह है कि उन्हें कई वायुसेना और विशिष्ट सेवा मेडल भी मिले हैं। लेकिन फिलहाल उन पर मंडरा रहा है घूसखोरी का दाग।